ये है तुम्हारा नया ऑफिस। आज से तुम इस सीट पर बैठोगे। और मैं सोची थी कि मैं तुम्हारे लिए पार्टी अरेंज करूं, जिसमें तुम्हारे और मेरे फ्रेंड्स दोनों आए। रियली आई एम सो हैप्पी फॉर यू। हाँ, लेकिन शायद मैंने मैं कितने टाइम से ये प्रमोशन डिजर्व करता था, लेकिन जैसे ही तुम्हारी मॉम को हमारे बारे में पता चला, उन्होंने फौरन मुझे प्रमोट कर दिया। हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है? और मैं नहीं चाहता कि लोग ये समझे कि मैंने तुम्हें अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाया। आमिर, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। लेकिन मुझे है। आमिर, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है ना, तो तुम मेरे बारे में सोचो। लोगों के बारे में क्यों सोच रहे हो? लोग तरक्की हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं कर लेते। तुम्हें तो बिन मांगे सब कुछ मिल रहा है। देखा, आ गई ना वही बात। आमिर, तुम बात बढ़ा रहे मैं बात को बढ़ा नहीं रहा, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा। समझ तो तुम नहीं रहे हो। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी किस्मत वालों को मिलती है। स्वेयर, तुम ये खोकर बहुत रिग्रेट करोगे। अगर तुम्हें यही लग्जरी चाहिए थी तो मुझसे मोहब्बत ही क्यों की तुमने? क्योंकि मुझे तुम समझदार लगे थे। लेकिन आज जिस तरह तुमने मुझसे बातें की हैं, आई थिंक तुम एक बेवकूफ आदमी निकले हो। मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारी मॉम ने मेरे टैलेंट की कीमत 2 कौड़ी की लगाई, और ये जो प्रमोशन है ये मुझे सिर्फ तुम्हारी वजह से मिला और किसी वजह से नहीं। आमिर, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड ठीक नहीं लग रहा है। ड्रामे बंद करो। अच्छा, मैं कोई ड्रामे नहीं कर रहा हूं। भाड़ में गई तुम्हारी ये सेल्फ रिस्पेक्ट। जस्ट शट अप। सवेरा,